नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो फ्रॉड डेटा एंट्री में जो थ्रेट कॉल आते हैं उनको एक्सपोज करने वाला वीडियो है। ये एपिसोड 5 है और इन जो एपिसोड्स में हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो थ्रेट कॉल में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डराते हैं, इसी के बारे में हम बात करते हैं इन एपिसोड्स में और वही हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो ये पिछला जो एपिसोड था, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हो। और बाकी के जो वीडियोस हैं उनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए रहेंगे। अब ये जो जितने एपिसोड्स हैं इनमें किस किस तरीके से जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है डराते हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैं वो लिंक्स दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और फ्यूचर में भी अपडेट आपको करता रहूँगा इन सब चीज़ के लिए, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। तो चलिए दोस्तों, वो थ्रेट कॉल सुनते हैं, मगर वो रिकॉर्डिंग सुनने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे आपको दो सॉल्यूशन बताए गए, ठीक है? आप मुझे बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप वर्क के अंदर इंटरेस्टेड हो या नहीं हो? सर ऐसे सर अब कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूँ, क्योंकि नहीं, सर अगर आप कंटिन्यू काम करना चाहते हो तो उसके अंदर ना आपका लॉस है ना कंपनी का लॉस है। बोलिए, आप करना चाहोगे कंटिन्यू काम? सर, आपको मेल के अंदर दो सॉल्यूशन समझा गया, अगर आप बोलो तो मैं आपको दोनों सॉल्यूशन समझाऊं। सर दोनों समझाइए सर पहले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, ओके? यहाँ पे आपके टोटली आपके फॉर्म हो चुके हैं, यहाँ पे आपका टोटली फॉर्म हो चुके हैं। यस सर, एक मिनट चार रखिएगा, कहाँ गया आपका डिटेल वापस? हेलो, 169 फॉर्म, ठीक है? आपके टोटली 169 फॉर्म हुए, आपका टोटल फॉर्म का टारगेट कितना था? 800 का ना? यस, 1000 का सर, 1000 फॉर्म का टारगेट था। यस सर, ठीक है, यहाँ पे आपके टोटली फॉर्म हो चुके 169। यस, आप 169 फॉर्म से आप अगर कंपनी को कंटिन्यू काम करके देना चाहोगे मिस्टर? यस सर, ठीक है, अगर आप 169 फॉर्म से आप अगर कंपनी को कंटिन्यू काम करके देना चाहोगे तो इसके अंदर आपको कंपनी को पेनल्टी पे करना होगा 11,708 रुपए, है ना? 11,708 ही दिए ना आपको मेल में? यस सर, एक मिनट में चेक कर, हाँ 11,708 रुपए, 11,708 रुपीज आप कंपनी को पे करोगे, 169 फॉर्म से वापिस से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी कंपनी के तरफ से, वापिस से आपको 11 दिन का टाइम, 10 दिन का आपको कंपनी की तरफ से वापिस से 10 दिन का टाइम मिलेगा, 10 दिन के अंदर जो आपके रिमेनिंग फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे आपका टोटली 169 फॉर्म हो चुके हैं जिसमें से आपका 1000 फॉर्म का टारगेट था कि 900 फॉर्म का टारगेट था? सर वैसे तो सर मैं एक्यूरेसी 800 फॉर्म की रखनी थी ना, बट 1000 फॉर्म का टारगेट था मेरा। ओके, 1000 फॉर्म का आपका टारगेट था, राइट? यस सर, ठीक है, 1000 में से आपके 169 फॉर्म हो चुके, 831 फॉर्म आपके रिमेनिंग है। अगर आप 169 फॉर्म से अगर कंपनी को कंटिन्यू काम करके देना चाहोगे तो इसके अंदर आपको कंपनी को पे करना होगा 11,708 रुपए, 11,708 रुपए कंपनी को पे करोगे, 169 फॉर्म से वापिस से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी कंपनी के तरफ से, वापिस से आपको 11 दिन का टाइम मिले, 10 दिन का टाइम मिलेगा, 10 दिन के अंदर जो आपके 831 फॉर्म आपके जो रिमेनिंग है वो आप फिलअप करके कंपनी को दे दोगे, यानी टोटली आपके 900 फॉर्म हो जाएंगे। उसके बाद आप जो कंपनी को पेनल्टी पे कर रहे हो ना, ओके, 11,708 रुपए, ये भी आपको तुरंत रिफंडेबल हो जाएगा और सैलरी का सैलरी आपको वापस मिल जाएगा। यस सर, जिसके अंदर ना आपका लॉस है ना कंपनी का लॉस है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन आपके पास कि अगर आप कंपनी से काम ही नहीं करना चाहते हो, आपको कंपनी के साथ जुड़ के काम ही नहीं करना है, ठीक है, तो आप कंपनी को पेनल्टी पे कर सकते हो 20,500 रुपए, जिसके बाद आप कंपनी को नहीं जानते हो, कंपनी आपको नहीं जानती है। यस सर, ये ठीक है, आप बोलिए सर, ये वैसे अमाउंट कब तक पे करने को बोला है उन्होंने? आपको 3 बजे से पहले पे करना है, टुडे। हाँ, आपको मेल के अंदर टाइमिंग मेंशन है। सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से इतना अमाउंट पे करूंगा सर? सॉरी डियर, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं पे कर सकते हो, मेरा काम है आपको समझाना, मेल के रूल्स में फॉलो नहीं कर सकता हूँ, एग्रीमेंट के अंदर तो ये मेंशन था कि आपको इमीडिएटली बेसिस पे पेमेंट करना, बट मैं आपको 3 बजे तक का टाइम भी दे रहा हूँ।
ठीक है, सर क्या और कुछ, आपके लिए नहीं पॉसिबल है, सर क्या आप कंपनी से बात करें, कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में कि वो हमारे सैलरी में कुछ से नहीं कर काट लें सकता। काम, सैलरी में नॉट से पॉसिबल सर, कंपनी ने आपको सबसे पहले ऑप्शन यही दिया था कि आप पहले काम करके दीजिए, उसके बाद आपको सैलरी में से काट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन कब, आपको कंपनी ने, एक मिनट चाल रखिएगा ना, चाल, यस सर, हेलो, हाँ जी सर, हाँ बोलिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंपनी ने तो एग्रीमेंट के ये चीज मेंशन करके दी थी कि आपको इमीडिएटली बेसिस पे पेमेंट करना है, बट आप इमीडिएटली बेसिस पे तो पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक का टाइम दे सकता हूँ। अगर आप 3 महीने से पहले पेमेंट कर सकते हो तो मुझे बताइए, तो मैं आपका केस होगा, अदरवाइज मैं आपका केस यहाँ से साइन कर दूँ। सर रुकिए, मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताया, बताए 12,700 रुपए आप पे करोगे, 708 रुपए जिस पर आपका कंटिन्यू काम चालू होगा, कंपनी की तरफ से वापस से आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, 10 दिन के जो आपके 831 फॉर्म आप फिलअप करके वापस दे दोगे कंपनी, टोटली 1000 फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो कंपनी को पेनल्टी पे कर रहे हो ने 18,708 रुपए, ये भी आपको तुरंत रिफंडेबल मिल जाएगा, और सैलरी आपको वापस मिल जाएगा, जिसके अंदर ना आपका लॉस है ना कंपनी का लॉस है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप कंपनी के साथ काम ही छोड़ना चाहते हो, कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हो, तो आप कंपनी को 20,500 रुपए आप पे करके आप कंपनी से एनओसी लेटर ले सकते हो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आपके कोई लीगल केस फाइल नहीं होगा, आपके ऊपर लीगल कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा। ठीक है, अब आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हो। हाँ, अगर आप कंटिन्यू काम करना चाहोगे तो आपको भी एक रिफंडेबल की अथॉरिटी फी होगी, राइट right. तो आप जैसे आपको पे किसको करना है, आपको पे डायरेक्टली कंपनी के करंट अकाउंट में आपको पे करना है। जैसे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, उसका अकाउंट डायरेक्टली गवर्नमेंट ओपन करा के देती है, आपको डायरेक्टली कंपनी के करंट अकाउंट में आपको पे करना है। जैसे आप कंपनी को पे करोगे कंपनी के करंट अकाउंट में, वैसे आपको कंपनी की तरफ से एक मेल आएगा, वो आपका एक श्योरिटी मेल होगा। मेल के अंदर ये चीज मेंशन होगी कि मिस्टर क्या नाम था आपका, पे द कंपनी पेनल्टी अमाउंट एंड कंपनी विल गिव यू सेकंड चांस टू डू द कंटिन्यू वर्क, टोटली 900 फॉर्म कंपनी विल गिव यू रिफंडेबल योर पेनल्टी एंड पेमेंट ऑल्सो। ठीक है, वो मेल पे आप रिप्लाई करोगे, आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एंड सेकंड टाइम आई विल डू द सेम मिस्टेक, दोबारा से मैं ऐसे कोई गलती नहीं करूंगा, और आपकी सेविंग अकाउंट डिटेल, आपकी सेविंग अकाउंट डिटेल आप जैसे कंपनी को मेल करोगे वैसे आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कंटिन्यू काम चालू हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए मिस्टर आप क्या करना चाहोगे। अगर आप 3 महीने से पहले पेनल्टी पे कर सकते हो तो मैं आपका नोटिस बोर्ड पे डालू, अगर आप नहीं पे कर सकते तो मैं अभी से आपका केस यहाँ से फाइल कर दूं। बोलिए सर, अगर मानना कि अगर मैंने मना कर दी पे करने से तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आपके ऊपर यहाँ से मेल के अंदर मेंशन ही है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ सब टोटल चीज मेल के अंदर मेंशन है। अगर आप बोल रहे हो कि क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके ऊपर यहाँ से लीगल केस फाइल होगा, जिसके अंदर आपके ऊपर 3 एक्शन होंगे। फर्स्ट, आपको लीगल नोटिस तो मेल पे पहुंच चुका है। सेकेंड, कोर्ट की डेट निकलेगी कि कब आपको गुजरात वडोदरा कोर्ट आपके मिलना है, वो लीगल डेट आपको मेल से मिल जाएगी। अगर वो डेट के अंदर आप कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं होते हो तो फिर आपके नाम का वारंट निकलेगा, जिसके अंदर आपके घर पे 3 बंदे आएंगे, आपके नियर के पुलिस स्टेशन से कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक कंपनी का एडवोकेट, एक कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई भी बंदा, ये तीनों जन आपके घर पे आएंगे। कंपल्सरी जो आपने कंपनी का लॉस किया है 102 लाख का, वो लॉस आपको पे करना होगा 80 से 90 हजार का। ओके, और जितने टाइम आपका केस चलता है, 1 साल या 2 साल 3 साल, वो भी मैं आपको नहीं कंफर्म बता सकता हूँ कि कितने साल केस चलेगा, जितने साल केस चलेगा उतने साल आपको हर वीक के अंदर कोर्ट के अंदर आके अटेंडेंस और प्रेजेंट देते रहने के लिए। ठीक है, अब आप बताइए मिस्टर कि आप क्या करना चाहोगे। सर क्या वेट कर सकते हैं, मैं पता करता हूँ, और सर क्या मुझे कंपनी की जो मेन साइट है उसका लिंक मिल सकता है। क्या बोल रहे हो, सॉरी सर, मैं शाम तक कर देखता हूँ पे करने के लिए ना, और क्या सर मुझे जो सर मेरे पास शाम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब 3 बजे तक सर। हाँ, अगर आप पे कर सकते हो ना तो मुझे आपको अभी बताना होगा, बिकॉज मुझे आपका रिकॉर्डिंग लाइन पे कंफर्मेशन लेके आगे भेजना होगा। ठीक है, और सर क्या मुझे एक बार कंपनी जो मेन साइट है उसका लिंक मिल सकता है। कंपनी की, ये कंपनी की साइट नहीं होती, बिकॉज ये कंपनी सॉल्यूशन कंपनी होती है। ठीक है, ये कंपनी के जो प्लान होते हैं जो हर मंथ हर वीक के अंदर बदलते रहते हैं, जो इंटरनेशनल पैकेज से कंपनी को जो काम मिलता है, जो साइट के अंदर नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, तो कंपनी आपकी साइट तो बनाती नहीं है। कंपनी ने आपको एग्रीमेंट क्यों दिया था कि आपको एग्रीमेंट, अगर कंपनी के साइट होती तो आपको कंपनी एग्रीमेंट क्यों देती। ओके, समझ आया। ओके सर, तो मिस्टर बताइए आप क्या करना चाहोगे, बोलिए।
सर मैं पे कर दूंगा मैं। ठीक है मिस्टर, मैं आपसे अकॉर्डिंग लाइन पे कंफर्मेशन ले रहा हूँ। आप क्या करना चाहोगे, कंपनी को पेनल्टी पे करना चाहोगे या फिर आप आपके हिसाब से फेस टू फेस आके मिलना चाहोगे? किससे फेस टू फेस मिलना सर? सर कोर्ट के अंदर आके फेस टू फेस आप मिलके आपके हिसाब से देखना चाहोगे या फिर आप कंपनी को पेनल्टी पे करना चाहोगे? सर पे करना चाहूंगा सर मैं। ठीक है, कितने बजे तक आप कंपनी को पे करोगे मिस्टर? सर आप मुझे सर 3 बजे का टाइम दीजिए, मैं आपको बता दूंगा मैं पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उससे पहले सर मैं सर एक काम करो, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको 3 बजे तक पे करना है। 3 बजे तक मुझे ये कंफर्म नहीं करना है कि आप पे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 3 बजे तक तो मुझे आपको कंपनी को पेनल्टी पे करना है डियर, बिकॉज पेनल्टी आप पे करोगे तो कंपनी को पे करोगे, मुझे आप पे नहीं करोगे मेरी फीस जो कंपनी मुझे देने वाली है। ठीक है, अगर आप नहीं पे कर सकते हो मैं अभी से आपका केस साइन कर दूँ। नहीं सर, ये मैं आपको कह रहा हूँ 1 घंटे का। अगर आप पे करना, 1 घंटे का मैं आपको टाइम नहीं, मैं आपको 3 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, अभी 2 घंटे आपके पास। ओके सर। ठीक है, तो मुझे आप अभी बताइए कि आप क्या करना चाहोगे। अगर आप पे कर सकते हो मैं नोटिस रुका, अगर नहीं पे कर सकते मैं केस साइन करूँ। सर मुझे 1 घंटा है सर, मैं पता तो करता हूँ सर, पैसे वगैरह का जुगाड़ तो करता हूँ कहीं से सर, 2 मिनट थोड़े से टाइम। मिस्टर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको टाइम दे सकूँ, अगर आप पेमेंट करना चाहोगे तो मुझे आपको कंफर्मेशन अभी देना होगा। ओके सर मैं पे कर दूंगा। कितने बजे तक पे करोगे? 3 बजे तक। एक चीज याद रखिएगा, 3 बजे तक अगर आप कंपनी को पेनल्टी पे करते हो ना तो आप कंपनी को पेनल्टी पे करना, अदरवाइज आप पेनल्टी पेज मत करेगा। आप आपके हिसाब से देख लेना, मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा। आपने डायरेक्टली कोर्ट के अंदर फेस टू फेस मिलकर 3 से 7 बजे का टाइम दिया सर, थोड़ा बहुत तो 3 से 7। वो टाइम आपके लिए नहीं है, वो टाइम आपके लिए नहीं है, वो टाइम हमारे लिए, हमको भी आपका केस फाइल करने के लिए आपका टोटल एविडेंस आपका जमा करना होगा ना कोर्ट के अंदर, वो आपका टाइम नहीं है। सर मुझे पे करने के लिए सर 1 दिन तो दीजिए सर, कसम से। आज सर नहीं पॉसिबल, हिमाचल में छुट्टी है मिस्टर रोहित। आप क्या बोल रहे हो सर? आज हिमाचल में छुट्टी है, बैंक बंद है सर, आज हिमाचल डे है। मैं कहाँ छुट्टी है सर? हिमाचल डे है सर आज। अच्छा हिमाचल डे? यस सर, मैं अभी सर पे नहीं कर सकता। तो सर कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनिए, आप आपके हिसाब से देख लीजिए, आप आपका डे बनाओ। गवर्नमेंट की छुट्टी नहीं है सर, हमारे कंपनी की छुट्टी नहीं है, हमारे कंपनी की और हमारी छुट्टी नहीं है सर। अब बात करके समझे, 1 दिन का टाइम और दीजिए सर प्लीज। अरे भैया सॉरी, चलो मिस्टर अपने कोर्ट के अंदर फेस टू फेस मिलकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो पहले कॉल रिकॉर्ड में हमने क्या सुना? हमने सुना कि जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको 2 स्टेप्स बता रहे थे कैंडिडेट को। पहला जो सॉल्यूशन बता रहा था उसमें वो कह रहे थे कि 1000, जैसे कि कैंडिडेट कहा कि 1000 फॉर्म्स का टारगेट था, 169 फॉर्म उन्होंने वो क्या कहते हैं सबमिट किया था, और अभी वो कह रहे हैं कि 169 कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कह रहा है कि अगर आपको मतलब इसी प्लान को रिन्यू करना है, इसी में काम करना है, तो आपको पेनल्टी भरना है। इसका मतलब क्या हुआ? पेनल्टी क्यों भरेंगे इस चीज़ के लिए? मगर वो कह रहे हैं कि 11,708 रुपये दे के आपको पेनल्टी पेमेंट करना है, उसके बाद फिर से आपको 169 फॉर्म्स का जो क्राइटेरिया है उसी में काम करना है, मतलब उसको मंथली बेसिस पे 169 फॉर्म्स पे ही काम करना पड़ेगा। अब दूसरा जो सोल्यूशन वो बता रहा है, अब आ गया, पहला वाला था नॉर्मल जो हल्का पैसे लेन देन की बात कर रहे थे थोड़ा बहुत डरा के, उसका बात कर रहा था ये कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा जो सोल्यूशन आया उसमें डायरेक्टली वो थ्रेट देने पे, जो थ्रेट का प्रोसीड्यूर है वो थोड़ा और बढ़ गया। कैसे? कि दूसरा प्रोसीड्यूर है, जब दूसरा वाला सोल्यूशन बताया उसमें कहा कि अगर आप कंपनी आपको नहीं जानता या फिर आप कंपनी को नहीं जानते, सब कुछ यहीं पर रफा दफा करना है, ये करना है, तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा 20,700 रुपये। तो क्या है, थ्रेट को पैसे को बढ़ा दिया ताकि उनका लाभ हो जाए और काम भी हो जाए, मगर इसके साथ साथ उसमें एक और क्लॉज घुसा दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं मानते हो ये, तो आपको क्या है तीसरा थ्रेट जो है उस पर चले गए कि वो कह रहे हैं कि कोर्ट नोटिस भेज देंगे, जो वो नॉर्मली कहते हैं मेल के थ्रू आपने चेक किया ही होगा, उसके बाद नोटिस आपके घर तक पहुंच जाएगा, साथ ही आपका ये कोर्ट चक्कर, उसके बाद घर में कॉन्स्टेबल भेज देंगे, इस तरीके के थ्रेट दे रहे थे। उसी समय पे कैंडिडेट ने कहा कि क्या मैं आपके जो कंपनी का वेबसाइट है उसे चेक कर सकता हूँ, जो कि जेन्युइन सवाल है। अगर आप देखा जाए कोई भी जेन्युइन कंपनी रहेगा उसका एक वेबसाइट रहना, आजकल 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, एक है वेबसाइट और एक है ऐप, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो वही पूछा कैंडिडेट ने, तब वो कहते हैं कि हमारा जो है कंपनी वो सॉल्यूशन कंपनी है, ये सब नहीं रखती और वेबसाइट नहीं रहता। अब अगर आप पकड़ लीजिए उनका वेबसाइट ही नहीं है, ये सब हम प्रोवाइड नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन। RTI एक्ट के तहत आपको जो जो चीज़ें उनके थ्रू हो रही है, इनकम हो, अर्निंग हो, एक्सपेंडिचर हो, आपको जानने का अधिकार है, हक है आपका RTI के थ्रू।
आप कुछ भी जान सकते हो आरटीए का एक्ट के थ्रू कि एक कंपनी किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस और इनकम जनरेट कर रही है, ये आप जान सकते हो। तो वहाँ पे ये जगह पे एक ट्रैप है, ये चीज़ जो होल लूप होल निकल चुका है। और साथ ही और एक चीज़ कहा था जो मैं भूल गया बताते वक्त कि 11,000 जो पहला केस कह रहा था उसमें कह रहे हैं कि ये 11,708 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। कैसे? बोल रहे हैं कि बाईबैक गारंटी जैसे होता है उस तरीके का कि आपका जो पहला सैलरी आएगा उसमें जब सेकंड मंथ कंटिन्यू होगा आपका तो वहाँ से काट दिया जाएगा वो पैसा। अब 11,708 रुपये का जो है गारंटी एक मेल के थ्रू वो भेजेंगे और मेल में ना कोई उन्होंने बात किया कि कोई स्टाम्प भी नहीं रहेगा, सेल्फ सिग्नेटरी या कुछ भी ऐसा नहीं किया रहेगा, एक बस मेल में लिखा रहेगा कि हाँ ये पैसा रिफंड हो जाएगा और मैं ठीक तरीके से, जैसे कि वो कैंडिडेट के वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा था कि हाँ मैं अब ठीक तरीके से काम करूँगा, फॉर्म ठीक तरीके से भरूँगा। ये कैसी बात हुई कि एक मेल आप भेज रहे हो, आप लिखित कुछ भेज ही नहीं रहे हो, और अगर ये ऑनलाइन फॉर्मेट का कोई मतलब वो रिसीट है या तो कोई फॉर्म वो है लेटर है तो इसमें कोई स्टाम्प नहीं रहेगा या सेल्फ सिग्नेटरी नहीं रहेगा, तो इस चीज़ का वैल्यू क्या है? कंपनी ने अगर माना डायरेक्ट आपको लीगल प्रोसीजर दे दिया तो उन्होंने पहले मेरे को कंफर्मेशन क्यों लिया उन्होंने मेरे से? मेरे को तो उन्होंने एक भी कॉल नहीं की, जैसे सर आप बोल रहे हैं कि क्यों नहीं? कंपनी ने अभी लीगल प्रोसेसिंग के लिए आपका केस दिया है सर, ठीक है, अभी ये नहीं किया है कंपनी ने आपका केस फाइल नहीं कर दिया है। एक मिनट सर, जैसे कि सर उन्होंने बोला कि सर मेरे को बोला गया था उन्होंने कि आपकी जैसे दो लॉग इन कर सकते हो आप, जैसे सर मैं उनकी बात एग्जीक्यूटिव की उनकी बात मान के, जैसे वेरिफिकेशन कॉल आई थी मेरे को ना उनकी बात मान के मैंने दो लॉग इन किए है ना, बस उन्होंने मेरे को खुद बोला कि आप दो लॉग इन कर सकते हो। और सर जब मैंने दो लॉग इन किया, दूसरा लॉग इन जैसे किया सर मैं 10 फॉर्म भरने के बाद मेरा सिस्टम क्रैश हो गया। जब सर ये तो कंपनी वालों ने खुद ही मेरे को कहा था कि आप दो लॉग इन कर सकते हो, पर सर ये इसमें मेरा क्या डिफॉल्ट है खुद ही बताइए। कंपनी ने मैं मानता हूँ कंपनी ने लिखा था वहाँ कि टूल आईपीएन नहीं चाहिए, बट सर जब वेरिफिकेशन हो रही थी ना सर तो मैंने जो हमारे एग्जीक्यूटिव उनसे सर साफ तौर पे एक क्वेश्चनिंग की कि सर मैं आपसे क्या मैं कंपनी की उस पर सर लीगल को कर सकता हूँ क्या क्या बोलते अपने लैपटॉप पर उस पर लॉग इन कर सकता हूँ दोनों पीसीज पे? तो उन्होंने मेरे को कहा उस टाइम की सर आपने लॉग इन कर सकते हैं दोनों, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है? यस सर, मेरे को मेल की गई है उन्होंने सर, उन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत है मिस्टर, एक्चुअली मुझे यहाँ पे कंपनी ने आपका टोटल लीगल प्रोसेसिंग के लिए केस दिया है। तो मैं आपको जैसे उन्होंने बताया कि आपको लॉग इन लॉग आउट एक ही आईपी एड्रेस से करना है, लॉग आउट करने के बाद आप आपके आईपी एड्रेस बदल सकते हो, राइट? यस सर, ऐसा लॉग आउट करने के बाद आप दूसरे पीसी में कर सकते हो। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुभ हो जाइए। अब आपका मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया, मेरे पास टोटल एविडेंस में अवेलेबल है बिकॉज मैंने आपका केस ऐसी कंपनी से नहीं लिया है। ठीक है मिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं आपको आपका मिशन बता देता हूँ। सर एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरी बात सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, अब आपकी मैंने बहुत सुन ली ना, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। ठीक है, आपको आपके मिस्टेक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपके ऊपर यहाँ से लीगल केस फाइल करता हूँ मिस्टर, जिसके अंदर आपके ऊपर तीन एक्शन होंगे। फर्स्ट, आपको लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक लीगल नोटिस तो मेल पे पहुंच चुकी है, शायद आपने नहीं चेक करी हो तो एक बार चेक कर लेना। सेकंड, आपको लीगल डेट कोर्ट की डेट निकलेगी कब आपको गुजरात वडोदरा कोर्ट आके मिलना है, वो लीगल डेट भी आपको मेल पे मिल जाएगा। सर ये कोर्ट में वो डेट के अंदर, अगर आप वो डेट के अंदर कोर्ट के अंदर नहीं आते हो जैसे आपकी मिस्टेक प्रूव करने के लिए कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है, ठीक है, तो आपके लिए थर्ड एक्शन आपके लिए बेटर नहीं रहेगा, जिसके अंदर आपका नाम का वारंट निकलेगा। ठीक है, आपके घर पे तीन एम्प्लॉय आएंगे आपको लेने के लिए, एक कंपनी का एडवोकेट, एक आपके क्षेत्र के कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक कंपनी का अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई भी बंदा, जितना आपने कंपनी का लॉस किया है, ठीक है, वो आपको तीनों जन आपके घर पे आएंगे और आपको गुजरात कोर्ट आके कंपलसरी जो आपने कंपनी का लॉस किया है 1-2 लाख का, वो लॉस आपको पे करना होगा और जितने टाइम आपका केस चलेगा उतने टाइम आपको कोर्ट के अंदर आके फेस टू फेस मिलना रहेगा। ठीक है, हर हफ्ते आपको। एक मिनट, हेलो, बोलिए सर। जैसा बोल रहे हैं मैं वहाँ आके मिलूँ कोर्ट में? सर मैं हिमाचल में रहता हूँ और मैं गुजरात में आपको कोर्ट में आके मिलूँ? तो सर अगर आप सही हो तो आपको आके मिलना रहेगा ना, पहले मैं आपको आपकी गलती प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको गलती समझ आ जाती तो मुझे आप बता देना कि मुझे मेरी गलती समझ आ गई, ठीक है, तो मैं आपको आगे की प्रोसेसिंग बता दूंगा। पर अगर आप ये बोलोगे कि मैंने कोई गलती की नहीं है तो सर कंपनी तो आपको प्रूफ करके, कंपनी आपके साथ गलत करेगी ना, कोर्ट आपके साथ गलत नहीं करेगा, कोर्ट जो भी होगा वो आपको सही बताएगा। बट सर मिस्टर, कोर्ट के केस तो सर बड़े लंबे चलते हैं सर, मैं कहां तक हूं? मैं स्टूडेंट हूं। नहीं, आप अगर आपने कोई गलती नहीं करेगी तो आपका एक ही टाइम में केस कोर्ट सॉल्व कर देगी, पर आपने गलती करी होगी तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या गलती करी। वैसे तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया है और आप एक पढ़े लिखे बंदे हो तो मुझे आपको उस हिसाब से समझाने की जरूरत नहीं है। आप आपका व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए, व्हाट्सएप एक बार चेक कर लीजिए
और उसके बाद आप मुझे कॉल करिए। अगर आपको आपकी मिस्टेक समझ आ जाती तो मुझे आप कॉल करना, अगर आपको मिस्टेक नहीं समझ आती तो भी मुझे कॉल करना, तो मैं आपको आगे का लीगल प्रोसेसिंग बता दूंगा। ये सर सेक्शन फीस क्या मतलब सर, ये सेक्शन फीस क्या रही है हमारे पास यहाँ? समझ नहीं आया? यानी नहीं सर, सेक्शन फीस और लीगल चार्ज ये तो एग्रीमेंट में थे ही नहीं। पहले आपकी गलती देख लीजिए सर। बोलिए सर। व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए, चेक कर लीजिए। यस सर। ओके देन कॉल मी। ओके सर। तो दोस्तों ये जो सेकेंड कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें हमने क्या सुना? हमने सुना कि ये जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था उसने कैंडिडेट को हर बार एक एक लेवल पे थ्रेट देने की कोशिश की। जैसे कि इसमें क्या किया वो बता रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं देते हो सबसे पहले तो आप पे एक मेल के थ्रू नोटिस भेजेंगे, उसके बाद कोर्ट नोटिस घर तक आएगा। अगर आप घर तक नहीं मतलब आप उसके बाद क्या कहते हैं वडोदरा कोर्ट या गुजरात कोर्ट वो जो कह रहे थे वहाँ तक नहीं गए तो क्या करेंगे, वो तीन एम्प्लॉयज़ भेजेंगे। अब तीन एम्प्लॉयज़ में तीन लोगों को भेजेंगे, तो तीन लोगों में पहला जो है वो बताया गया था कि एडवोकेट को भेजेंगे। दूसरा कहा गया कि आपके एरिया यानी कैंडिडेट के एरिया का किसी भी कांस्टेबल को भेजेंगे, और तीसरा है कोई भी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय को भेज देंगे। अब क्या है कि ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और ये प्राइवेट कंपनी का क्या है गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है सबसे पहले। हाँ, तो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भेज देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझूँ कि पोस्टमैन, अगर घर का पोस्टमैन रहे, हमारे यहाँ का जो एरिया का पोस्टमैन रहे, वो भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो क्यों आएगा हमारे पास, हमारे यहाँ क्यों आएगा उस चीज़ को लेकर कि आया घर में चिट्ठी नहीं देना है जी, आपके नाम पे केस लगा है, ये कहने वो क्यों आएगा? तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब कुछ भी एक गवर्नमेंट के नाम पे आप पर जो है लगा दे, आप उससे डर जाओ। इसी का चक्कर, इसी का ट्रैप रहता है ज़्यादातर। अगर सच में होता तो या तो विजिलेंस के थ्रू आते, या तो किसी भी कोर्ट प्रोसीड्यूर, बड़े जो पुलिस के अथॉरिटीज़ है, एसपी ब्लॉक डेवलपमेंट का जो रहता है, एसपी हो, डीजी हो, उन लोग को बुलाया जाएगा। ऐसे किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं बुलाते। तो यहाँ पे एक इससे भी प्रूव होता है कि ये जो थ्रेट कॉल था फुल्ली जो कंपनी है वो फ्रॉड ही पुलिस स्टेशन में दे दिया एग्रीमेंट ना, अभी मैं कंप्लेंट करके आया आपकी कंपनी के खिलाफ ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर मुझे बताएंगे जरा वो आना कहाँ पे है? पुलिस वालों को ये नहीं बताया आपने कि क्या बोलते हैं, मैंने क्या करा? पुलिस वालों को कुछ पूछा नहीं? नहीं सर, वो मैंने ऐसा किया ना उनको पूरी डिटेल बताई। वैसे मैंने एडवोकेट से बात की अपने ना, तो उन्होंने कहा कि हम अभी तो सर इंस्पेक्टर से बात हुई है ना, वो तो और मेरे पास उसका बैकअप नहीं है। तो मैंने अरे मैं ऐसा कह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपको क्यों फाइल कराए, ये नहीं पूछा? नहीं सर, हमने उनको सारी बातें बताई जैसे जो आपने मेरे को टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा मेरा रखो, जो होगा वो अपने फेस टू फेस करने वाले, ठीक है? ओके ओके, पर आऊंगा ये तो बता दो। तो ये जो अभी रिकॉर्डिंग थर्ड टेप जो आपने सुना, सेकंड टेप और थर्ड टेप के बीच तक जो कैंडिडेट है उसने मेरे साथ कांटेक्ट कर लिया था, तो मैंने उसे स्टेप्स बताए कि किस तरीके से टैकल किया जा सके इस चीज़ को। तो उसने कुछ ऐसा ही यूज़ किया, एक हथियार यूज़ किया कि उल्टा अपोज अगर कर किया जाए, कि पुलिस का कुछ अगर बताया जाए, तब आपने देखा कि किस तरीके से जो है जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव, वो कैसे बातें घुमाना चालू कर देता है। अब क्या है कि उसके बाद जो केस है उसके बाद ना उस कैंडिडेट को कोई कोर्ट नोटिस आया, ये सारे जो चीज़ें थे वो ट्रैप थे, लाइन बाय लाइन उन्होंने ट्रैप फेंका था जो नॉर्मली वो करते हैं, और उसका जो केस है वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ना उसे पैसे देने पड़े, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये जो पूरा थ्रेट कॉल था, ये जो वीडियो मैंने आप तक प्रेजेंट किया, इसको बनाने का यही मकसद था कि ये जो पूरा प्रोसीड्यूर है थ्रेट कॉल, किस तरीके से कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं और किस किस लेवल पे हमें वो थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, यही आपको बताना था, जताना था आपको। और आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरीके से आप सारे वीडियोस देख लेना सबसे पहले जितने एपिसोड थे, तो आप जान पाओगे कि किस तरीके से सबसे पहले ये जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स है फंसाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को आराम से टैकल कर पाओ। तो उसके भी बाद अगर आपको कोई भी आपका सवाल है पकड़ लीजिए, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। मेरा फेसबुक पेज का नाम है किशोर के यूट्यूब वीडियोस, या तो आप मेरे फेसबुक पेज और मेरे जो प्रोफाइल है उसके थ्रू डायरेक्ट मैसेज करके मुझे वो सवाल कर सकते हो। नीचे जो है डिटेल्स दिए हुए हैं, तो मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई बैक करने की कोशिश करूंगा। और यही पे आज का वीडियो करता हूं एंड मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी न्यूज़, ट्रैवल या ड्रामा वीडियो के साथ। आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।